दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने फोर्ड कंपनी का नाम ना सुना हो, लेकिन इस कंपनी के पीछे जिस इंसान का हाथ है उसका नाम है हेनरी फोर्ड। दोस्तों हेनरी फोर्ड वो इंसान है जिसकी तारीफ खुद एडोल्फ हिटलर ने किया था, जिसने पहला ऐसा कार लॉन्च किया जिसे एक मिडिल क्लास इंसान भी अफोर्ड कर सकता था। उन्होंने अपने कार के माध्यम से दुनिया के लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया था, और आप यकीन नहीं करेंगे कि $200 के सफर ने उन्हें दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट बना दिया। तो चलिए जानते हैं कि कैसे अपने अकेले के दम पर उन्होंने अमेरिका में उस ऑटोमोबाइल इरा की शुरुआत की। दोस्तों हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को मिशिगन के एक गांव में हुआ था। ये वो समय था जब फार्मिंग लोगों का मुख्य रोजगार हुआ करता था, क्योंकि उस समय लोगों के पास बहुत ज्यादा मशीनरी नहीं होते थे, इसलिए लोगों को फार्मिंग का ज्यादातर काम अपने हाथों से ही करना पड़ता था, और इसीलिए उस वक्त फार्मिंग एक बेहद ही स्लो और टायरिंग वर्क था। यही वजह थी कि हेनरी फोर्ड शुरुआत से ही फार्मिंग से नफरत करते थे। हालांकि उस समय ज्यादातर लोगों का नसीब इतना अच्छा नहीं होता था कि वे खुद अपनी पसंद का कोई काम चुन सके, लेकिन हेनरी फोर्ड बाकी के लोगों से अलग थे, क्योंकि उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली जो उस समय बहुत ही कम लोगों को मिल पाती थी। दरअसल दोस्तों एक डेट्रॉइट नाम का शहर था जो कि स्टीम इंजन के चलते उस वक्त एक इंडस्ट्रियल सेंटर में बदल रहा था। वो शहर हेनरी फोर्ड के गांव से सिर्फ 8 मील की दूरी पर स्थित था, और हेनरी फोर्ड की जिंदगी बदलने में इस चीज का बहुत ही अहम योगदान रहा। असल में दोस्तों हेनरी ने बहुत कम उम्र से ही टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि बचपन में वे टाइम पास के लिए घड़ियों के पार्ट्स पर एक्सपेरिमेंट करते थे, और सिर्फ 12 साल की उम्र में वे घड़ियों को रिपेयर करना सीख गए थे। लेकिन उनका ये इंटरेस्ट जुनून में तब बदला जब एक स्कूल ट्रिप के दौरान उन्हें डेट्रॉइट शहर में एक स्टीम इंजन को करीब से ऑब्जर्व करने का मौका मिला था। दरअसल दोस्तों उस वक्त फार्मिंग में स्टीम इंजन का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने लगा था, जिसके चलते कोयले से चलने वाली आरा मशीन और कुटाई की मशीन का यूज सिर्फ कुछ ही सालों में कॉमन हो गया, और हेनरी को फार्मिंग से कहीं ज्यादा दिलचस्पी मशीनों में थी। तो वैसे में वे उन मशीनों को रिपेयर करना बहुत ही जल्दी सीख गए। इसके बाद साल 1879 हेनरी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उसी साल वे अपने गांव को छोड़कर डेट्रॉइट शहर में शिफ्ट हुए थे। दोस्तों उनके फादर चाहते थे कि वे गांव में रहकर परिवार के साथ अपने फार्मिंग का काम करें, लेकिन अपने पिता के खिलाफ जाकर 16 साल की उम्र में हेनरी शहर जाकर मैकेनिक का काम करने लगे। ये वो समय था जब डेट्रॉइट के अंदर इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए डेट्रॉइट आने के बाद उन्हें काम ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। यहाँ हेनरी ने स्टीम इंजन के बारे में और भी ज्यादा गहराई से जाना, और यहीं पर उन्हें पहली बार गैस इंजन के बारे में पता चला, जो कि उस वक्त गैस इंजन ज्यादा चलन में नहीं थे। साल 1889 में जब हेनरी को पहली बार जर्मन इंजीनियर निकोलस आटो द्वारा बनाए गए एक 4-स्ट्रोक गैस इंजन को करीब से देखने का मौका मिला, तो वे उस टेक्नोलॉजी को देखकर पूरी तरह हैरान रह गए थे, क्योंकि गैस इंजन स्टीम इंजन की तुलना में कहीं ज्यादा हल्का और एनर्जी एफिशिएंट था। साथ ही वो स्टार्ट भी तुरंत हो जाता था, जबकि स्टीम इंजन को स्टार्ट होने में करीब आधे घंटे का समय लगता था। दोस्तों इन सभी खूबियों को देखकर उन्हें ये समझ आ गया कि फ्यूचर अब गैस इंजन का ही होने वाला है। हालांकि जितना नॉलेज उन्हें स्टीम इंजन का था, वे उतना गैस इंजन के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि गैस इंजन इलेक्ट्रिक स्पार्क से स्टार्ट होता था, और हेनरी को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। अपने इस अधूरे नॉलेज को पूरा करने के लिए साल 1891 में उन्होंने थॉमस एडिसन की द एडिसन इलेक्ट्रिक इल्यूमिनेटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, जो कि स्टीम इंजन के जरिए पिछले कई सालों से डेट्रॉइट के हजारों घरों के लिए बिजली बनाने का काम कर रही थी। इस कंपनी में हेनरी बतौर इंजीनियर जॉब करने लगे। इसके बाद साल 1893 में हेनरी को इस कंपनी का चीफ इंजीनियर बना दिया गया, और इसी साल उन्होंने अपना पहला गैस इंजन भी बनाया। दरअसल दोस्तों हेनरी के मन में गैस इंजन से चलने वाले ऑटोमेटिक व्हीकल बनाने का आइडिया काफी पहले से था, लेकिन इस आइडिया को हकीकत में बदलने में उन्हें कई सालों का समय लग गया, क्योंकि उसमें व्हीकल्स का कोई भी पार्ट मार्केट में नहीं मिलता था। ऐसे में हेनरी को व्हीकल की छोटी से छोटी चीज भी खुद अपने हाथों से बनानी पड़ी, और 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद वे अपना पहला सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल बनाने में कामयाब हो गए, जिसको उन्होंने फोर्ड क्वाड्रीसाइकिल नाम दिया था। दोस्तों साइकिल के पहियों पर चलने वाला ये एक सिंपल सा व्हीकल था, जिसमें हेनरी फोर्ड ने इथेनॉल पर चलने वाला एक इंजन लगाया था। इस व्हीकल में 2 स्पीड गियर्स थे, और इसकी टॉप स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर थी। दोस्तों शुरुआत में हेनरी फोर्ड की इस व्हीकल में बहुत सी कमियां आईं, जिसके चलते 1 साल तक उन्होंने इस क्वाड्रीसाइकिल की कमियों को दूर किया, और साल 1897 में जब उन्होंने इस व्हीकल को $200 की कीमत पर बेचा, तब वे खुद इसे 1600 किलोमीटर से ज्यादा ड्राइव कर चुके थे। दोस्तों उस जमाने के वो $200 आज के समय के 5 लाख रुपए के बराबर है। दोस्तों इस मॉडर्न वर्ल्ड में पैसे कमाने के 2 तरीके हैं। पहला आप काम करके पैसे कमाते हो, और दूसरा जब आप इन्वेस्ट करते हो।
एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सिर्फ सेविंग और सैलरी काफी नहीं होती। आपको पैसे से पैसा कमाना आना चाहिए और उसके लिए स्टॉक ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल ऐप में आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ आपको कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज पे नहीं करना पड़ता। इनके पास 30 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और यहाँ 22 लाख एक्टिव यूजर्स भी हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल सबमिट करनी पड़ती है। इस ऐप के थ्रू यू कैन गेट पर्सनल एडवाइजर जो आपको हर जगह पर गाइड करता है और आपको कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए इसकी भी लाइव रिकमेंडेशन मिलती है और ये दोनों ही चीजें फ्री है। दोस्तों, अभी अकाउंट ओपन करने पर आपको 25,000 का वेलकम बास्केट मिलेगा जिसमें कई AI बेस्ड टूल भी हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ 3,000 का डिस्काउंट कूपन और 1,000 का ब्रोकरेज मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप मोबाइल ऐप के थ्रू या सिर्फ एक फोन कॉल से ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यार, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाएं और डाउनलोड करें मोतीलाल ओसवाल ऐप। दोस्तों, उस जमाने के वो $200 आज के समय के 5 लाख रुपए के बराबर है। उन पैसों से हेनरी ने दूसरी और तीसरी क्वाड्री साइकिल भी बनाई जिसमें हर एक पहले वाली से बेहतर बनी। और आखिरकार जब उन्हें खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस हो गया तो साल 1899 में उन्होंने जॉब से रिजाइन कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू की। दोस्तों, उस समय तक हेनरी लोगों के बीच काफी मशहूर हो चुके थे और इसके चलते उनकी इस कंपनी में बड़े बड़े बिजनेसमैन्स ने पैसे इन्वेस्ट किए, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि हेनरी अपने हुनर और मेहनत के दम पर कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाले हैं। दोस्तों, शुरुआत में हेनरी का प्लान था कि वो डेट्रॉइट शहर के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक प्रीमियम कार बनाए जिसे उस समय उन्होंने डिलीवरी वैगन का नाम दिया था। लेकिन हेनरी ने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। दरअसल दोस्तों, डिलीवरी वैगन में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर पार्ट्स वे दूसरी कंपनी से लेते थे। ऐसे में जब कोई कंपनी किसी पार्ट को देने में देरी कर देती थी तो कार का मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो जाता था। इसके चलते वो 2 सालों में सिर्फ 20 डिलीवरी वैगन ही बना पाए और उनकी इस स्लो प्रोग्रेस को देखकर कंपनी के इन्वेस्टर्स ने हेनरी को ही कंपनी से बाहर कर दिया। दोस्तों, इस कंपनी में हेनरी की हिस्सेदारी सिर्फ 15% थी जिसके चलते वे अपने हिस्से के $1,000 लेकर अपनी ही कंपनी से बाहर हो गए। इस तरह दोस्तों, हेनरी फिर से वही आ खड़े हुए जहां उन्होंने कई साल पहले शुरुआत की थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस बार उन्होंने प्रीमियम व्हीकल की जगह ऐसी सस्ती कार बनाने का प्लान बनाया जिसे आम लोग भी खरीद सकते थे। दरअसल उस वक्त कार्स को सिर्फ एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। ऐसे में हेनरी ने ठाना कि वे कार को स्टेटस सिंबल से बदलकर लोगों के जरूरत की एक चीज बनाएंगे और इसी इरादे के साथ उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी को स्थापित किया। दोस्तों, हेनरी ने इस नई कार को मॉडल ए का नाम दिया था जिसे बनाने में उनके 20 डिजाइंस फेल हुए थे। इसके बाद अगले 5 सालों तक वे अपने डिजाइंस व टेक्नोलॉजी में सुधार करते गए और मॉडल ए से शुरू हुई उनकी कार्स की लिस्ट एक एक अल्फाबेट आगे बढ़ते हुए मॉडल टी पर जाकर खत्म हुई। इन 5 सालों में उन्होंने ना सिर्फ अपने कार्स को बेहतर बनाया बल्कि साथ ही अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में काफी ज्यादा सुधार किया। दरअसल दोस्तों, उन्होंने अपनी पहली कंपनी में बहुत सी गलतियां की थी, इसलिए इस बार उन्होंने ये अश्योर किया कि वे कार के पार्ट्स अलग अलग कंपनीज की जगह एक ही मैन्युफैक्चरर से लेंगे। इसके अलावा शिकागो के एक स्लॉटर हाउस से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी फैक्ट्री में एक असेंबली लाइन को बिल्ड किया ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की रफ्तार को तेज किया जा सके। साथ ही साल 1905 में हेनरी ने फोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एस्टैब्लिश करके अपने कार्स के इंजन और ट्रांसमिशन को खुद ही बनाना शुरू कर दिया और इन्हीं सब चीजों की मदद से साल 1905 में फोर्ड कंपनी हर रोज 25 गाड़ियां बनाने लगी। इसके बाद साल 1906 में कंपनी ने अपनी मॉडल एन को लॉन्च किया जो अपनी कम कीमत और जबरदस्त फीचर्स के चलते अमेरिका की बेस्ट सेलिंग कार बन गई। दोस्तों, भले ही फोर्ड की मॉडल एन एक बेहद सक्सेसफुल कार रही थी, लेकिन इस कंपनी को सबसे बड़ी सफलता मॉडल टी कार ने दिलवाई जो कि 1908 में लॉन्च की गई थी। दरअसल हेनरी फोर्ड ने अपनी मॉडल टी कार में वैनेडियम स्टील का यूज किया था जो कि आम स्टील से दोगुनी मजबूत और वजन में उससे हल्की होती है। उस जमाने में वैनेडियम स्टील का कॉन्सेप्ट काफी नया था जिससे ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। सौभाग्य से हेनरी का उन दोनों भाइयों के साथ दोस्ती था जो उस समय वैनेडियम स्टील के सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे। उन्हीं दोस्तों की मदद से साल 1907 में उन्होंने खुद का एक वैनेडियम स्टील प्लांट भी बना लिया था। इस तरह दोस्तों, फोर्ड की मॉडल टी कार दुनिया की पहली वैनेडियम स्टील से बनाई जाने वाली कार बन गई थी और अपनी इसी खूबी के चलते इस कार ने मार्केट में लॉन्च होते ही धमाल मचा दिया था, जहां लॉन्च होने के कुछ ही हफ्तों में कंपनी को इसके 25,000 ऑर्डर्स मिल गए थे। लेकिन 1909 तक यानी एक साल में कंपनी सिर्फ 17,000 कार से डिलीवर कर पाई थी। दोस्तों, लोगों ने इस कार को इतना ज्यादा पसंद किया कि 1918 में अमेरिका के अंदर 50% से ज्यादा कार्स मॉडल टी ही नजर आती थी। मॉडल टी की सफलता के बाद फोर्ड का प्रोडक्शन साल दर साल डबल होता गया। इस तरह हेनरी ने अमेरिका के इतिहास में न सिर्फ ऑटोमोबाइल युग की शुरुआत की बल्कि फोर्ड ने शुरुआती 2 डेकेड्स को पूरी तरह डोमिनेट भी किया।
यहाँ तक कि आज भी फोर्ड मोटर कंपनी उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रही है जिसे 118 साल पहले हेनरी फोर्ड ने शुरू किया था। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।